तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ग्लोबल विंड डे ऑन 15th of June. हर साल वर्ल्ड विश्व विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 15th of June को. क्यों किया जाता है? तो विंड की यूजेबिलिटीज को शो करना कि विंड हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हर साल डे सेलिब्रेट होता है जिसका वो होता है ऑन 15th of June को. अगर मैं बात करूं कि इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की थीम है टू प्रमोट विंड एनर्जी यूजेबिलिटीज. विंड एनर्जी की यूजेबिलिटीज को प्रमोट करना इस साल की थीम रही है जो 15th of June को सेलिब्रेट होता है. अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड होता है जो दो चीजों से कोई एक चीज बनती है तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है. इसी टेक्निक से एक प्लांट बना है जो बना है सोलर एनर्जी प्लस विंड एनर्जी से. इंडिया का पहला हाइब्रिड प्लांट वो ओपन किया गया इन राजस्थान, राजस्थान के जैसलमेर में ऐसा प्लांट बनाया गया. अच्छा, इंडिया का पहला प्लांट, सोलर प्लांट जो ग्रेन से बना, अनाजों से बना, मोटे अनाजों से बनाया गया, तो वो बना है इन बिहार. अच्छा, हमारे इंडिया की कौन सी ऐसी घाटी है जो जियोथर्मल के कारण फेमस है? तो याद रखना वो है पूगा घाटी. और पूगा घाटी कहां पर है? तो पूगा घाटी है इन लद्दाख. और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी सौभाग्य योजना का सहज बिजली हर घर योजना थी, ये चलाई गई थी ऑन 15 सितंबर 2017 में. हमारा अगला क्वेश्चन है भारत गौरव योजना इज इन न्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत गौरव योजना चर्चा में है. सबसे पहले तो भारत गौरव योजना किसके लिए है? तो ये प्राइवेट ट्रेन्स के लिए योजना है. क्या है इस योजना के अंदर? आपको पता है कि जो रेलगाड़ी होती है उसमें जो डिब्बे होते हैं, एक तो डिब्बा होता है माल का जिसमें माल लेकर जाया जाता है, एक तो पर्यटनों के लिए मतलब जो ट्रैवलिंग के लिए. एक अलग इस योजना के अंदर एक अलग डिब्बा बनाया गया है जो टूरिज्म के लिए है. मतलब टूरिज्म के लिए ये योजना चलाई गई है इन प्राइवेट ट्रेन्स. और इस टूरिज्म में क्या होगा? इस ट्रेन में जो जैसे श्री राम जी के जितने भी मंदिर हैं उनको कनेक्ट करेगा एक रास्ता. और मतलब वो सारा आप वहां के दर्शन, सभी श्री राम जी के जितने भी मंदिर होंगे वो आपको ये ट्रेन वहां ट्रेवल कराएगी. इस योजना का मेन मतलब है. और पहली ऐसी योजना कहां से लेकर चली है? वो चली है नॉर्थ कॉम्ब्यूटर से कोयम्बटूर. तो ये योजना चली है नॉर्थ कॉम्ब्यूटर से लेकर साई शिरडी तक. और नॉर्थ कॉम्ब्यूटर आपको पता होगा तमिलनाडु है. और श्री साई जी का शिरडी मंदिर कहां पर है? ये महाराष्ट्र में. और
ऐसी प्राइवेट ट्रेन चली है फ्रॉम तमिल टू महाराष्ट्र। तो ये याद रखना कि भारत गौरव योजना टूरिज्म के लिए है और प्राइवेट ट्रेन्स को टूरिज्म में जोड़ा कनेक्ट किया जाएगा, जो एक जो टूरिज्म को और ट्रेवल को बढ़ावा देगा। अभी अभी एक टूरिज्म एंड ट्रेवल रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया का रैंक रहा 54। और ये टूरिज्म की रिपोर्ट किसने निकाली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल इज इन यूज। पृथ्वी टू कैसी मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल पूर्ण परीक्षण किया गया फ्रॉम ओडिशा। एक मिशन चलाया गया था इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मिशन चलाया गया था इन 1983 बाय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और इस मिशन के अधीन हमने 5 मिसाइलों का निर्माण करने का योजना बनाई थी। और कौन सी ये योजना थी, कौन सी ऐसी मिसाइल्स थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। और पृथ्वी मिसाइल का 1 पॉइंट तो आ चुका है, इसका ही एक बेटर वर्जन आया है जो है पृथ्वी टू। और पृथ्वी टू कैसी मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जो पृथ्वी वन थी उसकी रेंज थी 150 किलोमीटर, और जो पृथ्वी टू है वो 250 किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकती है। और ये कैसी मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह वार करने वाली ये मिसाइल है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, I2U2 ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता होगा कि एक क्वाड है, इन क्वाड में कौन सी कंट्रीज हैं। इस क्वाड में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए। इसी क्वाड के बेसिस पर एक और संगठन सामने आया है I2U2, और इस I2U2 में है इंडिया, इजराइल, इसी के लिए इसको I2 कहा गया है। एक है यूएसए और एक है यूएई। इन 4 कंट्रीज के समूह को कहा गया है I2U2। और इंडिया के इस समय प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, यूएसए के हैं जोए बिडन और यूएई के हैं जायद अल नाहाइन, जापान के फूमियो किशिदो, ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी एल्ब्रिज और इंडिया के नरेंद्र मोदी और यूएसए के जोए बिडन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये निकालता है IMD। IMD क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री ज्यादा कॉम्पिटिशन रख रही है, और ये निकाला गया फ्रॉम अमंग 64 कंट्रीज में से, जिसमें पहले शीर्ष संस्थान पर आया डेनमार्क और हमारा रैंक रहा इसमें 37, और लास्ट में रहा वेनेजुएला। अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन रिपोर्ट, इसके अनुसार हमारा रैंक है 150। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक रहा 150 और हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक रहा 136। तो याद रखना 63 कंट्रीज में से, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, और अभी अभी डेनमार्क में एक समिट करवाया गया, उस समिट का क्या नाम है, नॉर्डिक समिट, जो 5 कंट्रीज के बीच में हुआ ये समिट।
हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 लेन रोड बाय स्टील स्लैग, जो भी स्टील का कचरा होता है उसको कहा जाता है स्टील स्लैग, और उससे एक रोड का निर्माण कराया गया है जो 6 लेन की रोड बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? इन सूरत। सूरत कहाँ पर है? इन गुजरात। तो अभी अभी एक गिनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 75 किलोमीटर की रोड बनाई गई बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये सबसे कम टाइम पर इतनी रोड बनाने का गिनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये भी याद रखना। और हमने 75 किलोमीटर ही क्यों बनाने का तय किया, क्योंकि आपको पता है हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है एज अ अमृत महोत्सव। और सूरत किसके लिए फेमस है? डायमंड्स के लिए फेमस है सूरत। और गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल, इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव, और उस उत्सव का नाम है, तो उस उत्सव का नाम है उन्मेष। पेपर में सीधा आएगा कि उन्मेष क्या है, तो इंटरनेशनल साक्षरता ये फेस्टिवल है, तो ये सेलिब्रेट किया गया इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो राजधानी है शिमला, और इंडिया का ये लार्जेस्ट ऐसा फेस्टिवल है जो साक्षरता में है। अगर लिटरेसी की बात करूं तो इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरला की बात करूं तो हमारी इंडिया की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट भी कौन सी है? केरला हाई कोर्ट। सबरीमाला मंदिर भी कहां पर है? इन हाई कोर्ट, इन केरला। और भीरवाना फेस्टिवल भी कहां पर मनाया जाता है? इन केरला। मकर विलक्कू त्योहार भी कहां पर मनाया जाता है? इन केरला। ओणम त्योहार भी कहां पर मनाया जाता है? इन केरला। और अगर मैं बात करूं इंडिया का पहला ग्राइफाइन सेंटर, ये भी कहाँ पर ओपन किया गया है? इन केरला। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मलेशिया टू अबॉलिश डेथ सेंटेंस, तो किस कंट्री में डेथ को अबॉलिश करने के लिए, डेथ पेनल्टी को, डेथ सेंटेंस को अबॉलिश करने के लिए बिल पास किया है? तो वो किया गया है मलेशिया में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।